अंग्रेजी तो कोई भाषा ही नहीं सी। ये तो लो जर्मैनिक टू टैनिक टंग है। अंग्रेजी अपने आप च एक भी शब्द पैदा नहीं कर सकती, ये सारे अदारे लब जानती है। जे अंग्रेजी दे विचों फ्रेंच दे शब्द, जर्मन दे, स्पेन दे, लतीनी दे ते यूनानी कढ़ देण तो दुनिया की गूंगी भाषा है। ना इन्हां कोले अपनी व्याकरण सी, ना इन्हां कोले अपनी शब्द कोश सी, ना इन्हां दी लिपि सी, ना इन्हां कोले महाकाव्य सी, कुछ नहीं सी। यूरोप दे किसी भी मुल्क की भाषा 16 करोड़ हैगी। जर्मन की है नहीं, फ्रांस की है नहीं, स्पेन की है, पुर्तगाल की है, डच की है, किसी भी 28 मुल्क ने यूरोप के एक दस दौ थोड़ी 16 करोड़ है। मसूब लोगों को पता नहीं भी किमें गलतियां च आ गए, जो कि पंजाबी की गल बन गई उदो असी हिंदू सिख तो मुसलमान बन गए। गुलामी सुभाव तो संस्कार बन गई, लगते नहीं भी असी एक कौम हाँ तो साड़ी भी कोई भाषा है। साढ़े भी बाबा फरीद होया, साढ़े भी बाबा गुरु अर्जन देव होए ने, क्योंकि अंग्रेज ने राज किया दुनिया के उ 56 देशों का, उन्हें सूरज डोबिया। पंजाब दे विच एक चीज़ जिहड़ी है ना, वो थोड़े टाइम तो काफ़ी जड़ा हावी हो रही है कि बच्चों के होंगे कि आइल्स करनी है। असी आइल्स करके आइल्स का पेपर, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जिहड़ी है उन्हें एक भाषा ना मान के एक स्टेटस मान लिया गया है कि जिन्होंने पंजाबी आती है जो पंजाबी बोलता है, तो जो इंग्लिश बोलता है। अंग्रेजी वाला ज़्यादा जो इंटैलीजेंट होएगा, जिन्होंने पंजाबी आती है इन्हू कख भी नहीं पता। ये चीज़ कितों आई तो ये तो जरा कि पंजाबियों एक वो दिता जाए कि इंग्लिश जी है वो एक लैंग्वेज है, सिर्फ एक भाषा जी है गल कर माध्यम हों, ना कि एक स्टेटस का सिंबल हों। देखो बेटा, जो अंग्रेजी नहीं भी लीए, जो अंग्रेजी पहली दफा उन्होंने राजे ने बोली आपके राज दरबार, वो राज दरबार 1300 पीर बैठे से 1300। उन्होंने कहते बादशाह सलामत है कि अंग्रेजी बोली जाने तो राष्ट्रक लैंग्वेज है, राष्ट्रक लैंग्वेज। तुसी फ्रेंच बोलो, स्पैनिश बोलो, लतीनी बोलो, क्योंकि फ्रांसीसी फ्रेंच उन्हां दी दरबारी भाषा सी, ते लतीनी उन्हां दी धर्म दी भाषा सी। अंग्रेजी तो कोई भाषा ही नहीं सी। ये तो लो जर्मैनिक टू टैनिक टंग है। दो जर्मनां ने, एक हाई जर्मन एक लो जर्मन। वो लो जर्मन दी टू टैन कबीले दी ये जबान है सब तो पछड़ी। पर क्योंकि अंग्रेज ने राज किया दुनिया के उ 56 देशों का, उन्हें सूरज डोबिया आपदे देश के आपदे सूरज कद छिपया नहीं, पर दूजे 56 देशों का उन्हें सूरज डोबिया भी था ना। उत्थे अंग्रेजी उन्हें भाषा सी, असी भी वो गुलाम सी, तो लाड मकाले दी नीतियां करके अंग्रेजी साढ़े आ गई। तो जो अंग्रेजी बोलता सी उही कलर्क बनता सी, उही आईसीएस करता सी, उही पीसीएस करता सी, उही जुडिशरी दे विच आउंदा सी। तो सानूं ऐ लगे भी साड़ी भाषा ही बहुत वड्डी है। हालांकि अंग्रेजी अपने आप च एक भी शब्द पैदा नहीं कर सकती। मैं भी अंग्रेजी पढ़िया, मैनूं पता है ये सारे अदारे लब जानती है। जे अंग्रेजी दे विचों फ्रेंच दे शब्द, जर्मन दे, स्पेन दे, लतीनी दे ते यूनानी कढ़ देण तो दुनिया की गूंगी भाषा है। इस करके बिना गल तो राजकर्ता श्रेणी ने दर्जा उच्चा चक्या। आपदी भाषा नूं पंजाबी ला लो, आपां 16 करोड़ हाँ, 16 करोड़ लोगों की भाषा है। दुनिया दे 9 देश ने जिन्हों की आबादी 16 करोड़ तो वध है, 9 देश। जे 10वां देश कोई होवे तो थोड़े पंजाबियों का होगा, पर थोड़ी पंजाबियों की ना थोड़े पंजाब च इज्जत, ना दुनिया च इज्जत। ये मतलब कितना ना कितना तो अपनी कमी है ना, असी आपकी भाषा को पछाण नहीं सके। जिहड़े वक्त बाबा फरीद ने अपनी पंजाबी टकसाली रूप दिता सी, अपनी पंजाबी लोड़े दाख बजौरियाँ किक्कर बीजे जट बोलता ना, जिवें हुणे बोल रहा, उदों अंग्रेजी कोले कुछ भी नहीं सी। चौसर ते लैंगलैंड नूं कोई पढ़दा ही नहीं सी, ना इन्हां कोले अपनी व्याकरण सी, ना इन्हां कोले अपनी शब्द कोश सी, ना इन्हां दी लिपि सी, ना इन्हां कोले महाकाव्य सी, कुछ नहीं सी। थोड़े कोले सब कुछ सीगा, थोड़ी गुरबाणी रची दुनिया च मन्नी जांदी है ना, बाबे नानक दी बाणी, फरीद दी बाणी, गुरु अर्जन देव दी बाणी, ठीक है। पंजाबी एडी वड्डी भाई छोटी भाषा नहीं, ये तो पंजाब दे लोकां ने मसूम लोगों को पता नहीं भी किमें गलतियां च आ गए, जो कि पंजाबी की गल बन गई उदों असी हिंदू सिख तो मुसलमान बन गए। मातृ भाषा पंजाबी,
नहरू ने टीचर की सी आता कह जे लोग ने माँ बोली पंजाबी लिखाते हिंदी पढ़ते है उर्दू सीखते अंग्रेजी ए नहरू की टिप्पणी सी है। नहरू बड़ा सियाणा चलाक बंदा सी हैं इन्हें तो कुछ भी नहीं होया पर हुण जागण दुनिया के उत्ते आपकी मातृभाषा से माण करो। यूरोप के किसी भी मुल्क की भाषा 16 करोड़ हैगी जर्मन की है नहीं जापान फ्रांस की है नहीं स्पेन की है पुर्तगाल की है डच की है किसी भी 28 मुल्क ने यूरोप के एक ही दस दौ थोड़ी 16 करोड़ है थोड़ी कित इज्जत नहीं उन्होंने वेखो कितने इज्जत पजाती जो अंतरराष्ट्रीय भाषावान बनाती कि अंग्रेजी फ्रांसीसी जर्मन रशियन तो हूँ चीन का भी बिच ना पै गया ठीक है ना जो आप कितने खड़े हाँ कितने भी नहीं क्योंकि असी ना राज कीता ना असी ताकत पैदा की है लोगों के धक्के चढ़े रहे साढ़े लोग मसूमा की गल नहीं साड़ी राज करदा श्रेणी ने सानू डोबिया क्योंकि पहला फारसी मुगलों के राज तो पहला मुहम्मद बिन कासम तो लैके पंजाब सारे उत्तरी भारत की सी फारसी अरबी तो फारसी मुहावरा सी ना देखो किस्मत दे खेल पढ़े फारसी ते बेचे तेल क्योंकि फारसी उदों राजभाषा सी तुहाड़ी तां भाषा कदे राजभाषा बनी नहीं तो हुण भी नहीं है। तुसीं ला लो साहब किसे दफ्तर च जाओ उन्हां दे दस्तखत करन वाला रजिस्टर चको थोनू 1000 मंगर भी पंजाबी च दस्तखत करन वाला बंदा नहीं मिलूगा भावें जिन्ना मर्जी पंजाबी दा कहे मैं पंजाबी हुणा जी अंग्रेजी दस्तखत करूगा। हस्पताल जाओ उत्थे अंग्रेजी दस्तखत डीसी दफ्तर जाओ उत्थे थोड़े दस्तखत SSP दे दफ्तर जाओ उत्थे थोड़े अंग्रेजी दस्तखत इत्थों तक कि तुसीं भी कदे चिट्ठी पाओगे थले दस्तखत अंग्रेजी जी कर बैठोगे सुभाअ ही बन गया गुलामी सुभाअ ते संस्कार बन गई लगते नहीं भी असी एक कौम हाँ तो साड़ी भी कोई भाषा है साढ़े भी बाबा फरीद होया साढ़े भी बाबा गुरु अर्जन देव होए ने साढ़े दिमाग चु कढ़ती अंग्रेजी 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 हुण तां असी वैसे लुट्टे पट्टे गए क्योंकि जो बाहर जाना तो सानू आईलैट करनी पैंदी है तो अंग्रेजी के 7-8 नंबर जो थोड़े आ गए तो थोनू जर अपने अमरीका वाले झल लैणगे और थोनू कनेडा वाले झल लैणगे इंग्लैंड वाले झल लैणगे न्यूजीलैंड वाले झल लैणगे आस्ट्रेलिया वाले झल अपने झल लैणगे जे पंजाबी पढ़ के जो किसी ने नहीं झलने क्योंकि आप तुसीं अपने मुल्क च अपनी सरकारां ने कुछ भी पैदा कर समर्थ नहीं बनाया फिर मंगतिआं नूं तां भाई दूजे की बोली च ही खैर मंगनी पैंदी है आपकी बोली तो तुहानूं खैर नहीं किसी ने देनी जे तुसीं किसी दे घरे वग गए बोले पंजाबी की समझणगे भी सातों की मंगदा तो जे तुसीं कहो मैम हैलो हाउ यू फाइन ओके आखो क्या माल है भी साड़ी भाषा बोलता बिना मंगया भी थोड़ा कोई चाह का कप पा दू इस करके ये थोड़ी बहुत लंबी गुलामी के बच्चों साड़ा दुखांत वापरिया पर कोई बात नहीं हुण चेतना बद भी रही है चेतना बदन दे नाल आपां किसी मुल्क नूं कोई दबाउणा जां हीणा करना नहीं आपां तां बराबर दा होकर जीउण दा यतन कर रहे हैं। मैं समझना भी यह साडा यतन पॉजिटिव है सही अर्थां च होना चाहिए तो इसे ते ही सानूं कायम रहना चाहिए।